हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। प्याज का बंपर उत्पादन किसानों को रुला रहा है। प्याज उत्पादक जिलों में किसानों की हालत खराब है। इसके भावों में मंदी आने से किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। उन्हें अभी 2 से 3 रुपए प्रति किलो प्याज के भाव मिल रहे हैं। वहीं थोक मार्केट में एक समय 12 से 15 रुपए प्रति किलो चलने वाली प्याज अब 5 से 10 रुपए प्रति किलो पर आ गई है, जबकि चिल्लर बाजार में भाव 15 से 20 रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही लोगों ने प्याज का स्टॉक कर लिया है, जिसके चलते अभी मार्केट में ग्राहक भी नहीं है। इस कारण प्याज में बहुत अधिक मंदी आ गई है। व्यापारियों के अनुसार किसानों ने बड़े अरमान से बुआई की थी, अब मौसम की मार नहीं पड़ी तो बंपर उत्पादन ने उन्हें रुला दिया है। व्यापारियों के अनुसार कलमना के आलू प्याज मार्केट में सफेद और लाल प्याज को मिलाकर रोज 40 से 50 गाड़ी की आवक हो रही है। इस समय मार्केट में नासिक को छोड़ खामगांव, लातूर और अकोला से प्याज की आवक हो रही है। इस बार गुजरात और मध्य प्रदेश में भी जमकर प्याज का उत्पादन हुआ है। शहर पुलिस की सह पुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे द्वारा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के वायु क्षेत्र के दायरे में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बीम लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। हवाई सुरक्षा की दृष्टि से 2 महीनों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में दिन रात हवाई उड़ानों की आवाजाही जारी रहती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी परिचालित होते हैं। रात के समय पायलटों को सही सटीक लोकेशन और दिशा की जानकारी देने के लिए रनवे और ATC टावर की ओर से संकेत के तौर पर लाइटों का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर एयरपोर्ट परिसर से लगे आवासीय इलाकों में शादी या अन्य कार्यक्रमों में DJ लाइट्स के तौर पर बीम लाइटों का उपयोग आसमान की ओर किया जाता है। इससे विमानों के पायलटों में संभ्रम हो सकता है और बड़ी हवाई दुर्घटना की संभावना बनती है। ऐसे में हवाई सुरक्षा के नजरिए से यह आदेश जारी किया गया है। इसका पालन न करने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्म सत्र परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति से ली जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को हुई विद्वत परिषद की आपात बैठक में निर्णय लिया गया। हालांकि परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी, लेकिन इसे बेहद आसान बनाया गया है। प्रश्नों का स्वरूप बहुपर्यायी होगा, साथ ही जहां कॉलेज वहीं सेंटर की तर्ज पर परीक्षा संचालित की जाएगी। विद्वत परिषद के निर्णय के साथ ही विश्वविद्यालय ने इससे पहले जारी किए गए अध्यादेश को रद्द कर दिया है। बैठक के बाद परीक्षा व मूल्यमापन मंडल के संचालक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जानकारी दी। परीक्षा का टाइम टेबल 1 से 2 दिनों में घोषित किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहने की अपील की गई है। दरअसल उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्य भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा तिथि और पद्धति में बदलाव किया है। 8 जून से स्नातक पाठ्यक्रम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा और 15 जून से सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा, 22 जून से सभी पाठ्यक्रमों के समस्त सत्र की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर ली जाएगी। सिटी में जिस तरह से बिजली बंद हो रही है, उससे नागरिकों को संदेह हो रहा है कि कहीं खराबी या मेंटेनेंस के नाम पर लोड शेडिंग तो नहीं की जा रही है। दिन हो या रात, कभी भी अचानक बत्ती गुल हो रही है, इसका कोई समय ही नहीं है। अचानक खराबी के मामले मानो बाढ़ की तरह उत्पन्न हो रहे हैं। शुक्रवार को शंकरनगर चौक के आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच करीब 1.5-1.5 घंटे बिजली गुल होने की जानकारी परिसर के नागरिकों ने दी। इस तरह कल 3 घंटे बिजली बंद रही। वहीं एक दिन पहले गुरुवार को दोपहर सीताबर्डी पुलिस थाना के सामने परिसर में करीब 1.25 घंटा बिजली बंद रही। शुक्रवार की सुबह मानेवाड़ा इलाके की बस्तियों में सुबह के समय कुछ देर के लिए बत्ती गुल हो गई थी। इसी तरह बत्ती गुल होने के चलते नागरिक परेशान हो गए हैं। बाजार क्षेत्रों में भी बिजली कभी कभी गुल हो रही है, जिसके चलते व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। कंप्यूटर बंद होने के कारण बिलिंग और ऑडिटिंग जैसी प्रक्रिया रुक जाती है। वाईफाई बंद हो जाने से ऑनलाइन वर्क प्रभावित हो रहा है। हाल ही में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के जन्मदिन के अवसर पर AIMIM टीम ने पद नियुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल किया गया और सभी नवनियुक्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को विविध पदों से नवाजा गया। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। पश्चिम नागपुर AIMIM अध्यक्ष मोहम्मद जफर सोलंकी द्वारा मोइन अहमद, मोहसिन शेख, अमीर उस्मानी शेख, मुबशिर भाई, आकिब जावेद, सायम भाई, दानिश भाई, गाजी सलाउद्दीन, शाहरुख खान, मिर्जा शफीक बेग, करीब भाई, आदिब भाई, आकिब भाई, शहजाद भाई, साकिब खान, शफिन पटेल, हाफिज शहजेब साहब, परवेज अहमद, फैजान अहमद, मुश्ताक भाई, शहबाज भाई, शोएब शेख, उमर शेख, नवेद भाई आदि को विविध पदों पर नियुक्त किया गया। महिलाओं में बुशरा बाजी, शबाना बाजी, फिरदौस बाजी, रोशन बाजी, समीना शेख को पार्टी में शामिल किया गया एवं विविध जिम्मेदारियां सौंपी गयी। नागपुर महानगर पालिका शहर में पानी की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय अमल में ला रहा है।
मई में पानी की खपत बढ़ने से शहर के कुछ हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। मनपायुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने ऑरेंज सिटी वाटर के अधिकारियों को ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों की तादाद बढ़ाकर जलापूर्ति करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को नेहरू नगर जोन के वाठोड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में पानी की किल्लत को लेकर मनपा मुख्यालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज नए प्रशासनिक भवन में मनपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर मनपा के कार्यकारी अभियंता डॉ. श्वेता बैनर्जी, नेहरू नगर जोन के डेलीगेट जवाहर नाइक, टेक्निकल कंसल्टेंट मनोज गनवीर, ऑरेंज सिटी वाटर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय रॉय, वरिष्ठ अधिकारी राजेश कालरा, एमपी सिंह आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मनपायुक्त राधाकृष्णन बी ने शहर में पानी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। शहर के जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है और नागरिकों को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी मिल रहा है, वहां अधिक टैंकर तैनात कर पानी उपलब्ध कराना चाहिए। इस आशय के विचार मनपायुक्त ने व्यक्त किए। हसनबाग प्रभाग 27 न्यू 30 परिसर में जल्द से जल्द सड़क बनाने, गटर लाइन और वेस्ट वाटर लाइन बनाने हैं तो ज्ञापन नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ये ज्ञापन सहायुक्त हरीश राउत, हसनबाग परिसर के अभियंता भोयर, विभागीय अधिकारी विठोबा रामटेके को हाजी सैयद मुस्ताक अली और शेख मुजीब भाई वारसी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में यासिन भाई मेमन, मुन्ना भाई पटेल, निजाम काजी, लतीफ अहमद खान, जमील भाई मुर्गी वाले, मंजूर भाई, सलीम भाई चप्पल वाले, मास्टर साहब, नईम भाई, साजिद भाई और बड़ी संख्या में हसनबाग के स्थानीय नागरिकगण उपस्थित थे। नागपुर समेत देश के कई शहरों में सूरज आग उगल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, परभणी, राजस्थान में चुरू, पिलानी तथा गंगानगर, दिल्ली में नजफगढ़, हरियाणा में गुरुग्राम, झारखंड में डाल्टनगंज एवं उत्तर प्रदेश में आगरा, झांसी आदि का समावेश है। इस आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं सीमेंट रोड। देश में हर शहर में सीमेंट रोड बनाने का सिलसिला जोरों पर है, परंतु ये सबको मालूम है कि सड़कों के सीमेंटीकरण की वजह से शहरों का औसतम तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सीमेंट रोड का टिकाऊ होने के अलावा और कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान और खामियां ज्यादा है। इसलिए पूरे विश्व में सड़कों के सीमेंटीकरण को टाला जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत नागपुर, विदर्भ एवं पूरे देश में सड़कों का सीमेंटीकरण जोरों पर है। दरअसल इन तमाम शहरों में गर्मी में तापमान 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। निजी फायदे के लिए सीमेंट रोड बनाने का काम तेजी से शुरू है। जनता की जान को जोखिम में डालकर इस काम से जो पैसा कमा रहे हैं, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जनता से निवेदन है कि वे सावधानी बरते। इस आशय के विचार राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट अक्षय समर्थ ने व्यक्त किए। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,314 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,75,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे 16,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,30,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर पुलिस द्वारा किए गए हैं। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विशाखापट्टनम, वारंगल, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व नागपुर के शिवगर्जना ढोलताशा पथक ने किया। इस समूह के माध्यम से स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करना शुरू करते ही दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। इस उत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, सुपरस्टार चिरंजीवी, सांसद मीनाक्षी लेखी और कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान करने वाले इस ढोलताशा मंडली के शानदार प्रदर्शन की सभी ने सराहना की। केंद्रीय मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी भी शिवगर्जना पथक प्रदर्शन से संपन्न हुए। उन्होंने सभी कलाकारों को अपने घर आमंत्रित किया और उनकी पीठ थपथपाई और बधाई दी। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े भी मौजूद थे। शिवगर्जना ढोलताशा पथक में प्रतीक टेटे, ऋषभ कायपुरकर, आर्यन शेंडे, साहिल शंखदारवार, अनुराग कोचे, तुषार रेवतकर, वेदांत भंडारकर, विभव साठे आदि सदस्य हैं। 20 मई को मनपा के बाजार विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे महा मेट्रो द्वारा निर्मित दुकानों का आवंटन 23 लाइसेंस धारियों को किया है।
निगम मुख्यालय के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल में वैकल्पिक स्थान का आवंटन पूरा किया गया। मनपा आयुक्त और प्रशासक राधाकृष्णन बी एवं उपायुक्त मिलिंद मेश्राम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस अवसर पर सहायक संपत्ति कर अधीक्षक संजय दहीकर उपस्थित थे। मनपा ने हाल ही में रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे की दुकानों को हटाकर वैकल्पिक स्थान देने का निर्णय लिया था। तदनुसार महामेट्रो द्वारा निर्मित दुकानों में अनुज्ञप्तिधारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में फ्लाईओवर के तहत लाइसेंस धारियों को नागपुर महानगर पालिका की ओर से नोटिस देकर उनकी सुनवाई की गई थी। सुनवाई के बाद लाइसेंस धारियों की सूचना के अनुसार ईश्वर चिट्ठी के माध्यम से वैकल्पिक स्थान आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत शुक्रवार को वैकल्पिक स्थान आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। कुल लाइसेंस धारियों में से 23 लाइसेंस धारियों ने स्वेच्छा से ईश्वर चिट्ठी प्रक्रिया में भाग लिया। पत्र में दिए गए आदेश के अनुसार लाइसेंस धारियों को वैकल्पिक स्थान पर अपनी पसंद की दुकान चुनने की अनुमति दी गई थी। आए दिनों गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से नागरिक तंग आ चुके हैं। अब रसोई सिलेंडर खरीदना भी पहले से ही महंगाई की चपेट में आ चुके आम लोगों के बस की बात नहीं रही। अब सिलेंडर के दाम 1050 रुपए तक पहुंच चुका है, जिसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की है। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचा ने कही। वे यहां युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर निकाली गई शोक यात्रा को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार के विरोध में नागपुर शहर युवक कांग्रेस के वसीम खान के नेतृत्व में सीए रोड पर गीतांजलि चौक में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचा व नागपुर शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नैश नुसरत अली की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर वसीम खान ने भाजपा को लुटेरों की सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार घटिया राजनीति पर उतर आई है, आम जनता को आपस में लड़ाकर भूखमारी से ध्यान हटा रही है। इस मौके पर पूर्व पार्षद फिरोज खान, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, ब्लॉक अध्यक्ष मोतीराम जैनाब आदि बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता व कांग्रेस के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। कोविड काल के दौरान घर से ही कार्यालय का कामकाज आईटी क्षेत्र के कर्मी कर रहे थे। आईटी क्षेत्र में कार्यालयीन कामकाज पूर्ववत शुरू होने से कर्मियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों के आवागमन के लिए मिहान स्थित एचसीएल टेक्नोलॉजी से महामेट्रो द्वारा मेट्रो फिटर सेवा प्रारंभ की गई। महामेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी नीति के तहत शुक्रवार को एचसीएल से खापरी मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो फिटर सेवा का शुभारंभ किया गया। ये सुविधा महामेट्रो तथा नागपुर महानगर पालिका की ओर से प्रारंभ की गई। मिहान स्थित एचसीएल टेक्नोलॉजी परिसर में फीडर सेवाएं उपलब्ध रहेगी, ताकि मेट्रो यात्री आसानी से एचसीएल टेक्नोलॉजी से खापरी मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सके। इस फीडर सेवा में ई साइकिल, ई बाइक, ई रिक्शा के साथ साथ मनपा की स्टार बसें भी होगी। इससे पहले महामेट्रो ने मिहान क्षेत्र में फीडर सेवा भी प्रदान की थी और एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपने क्षेत्र में फीडर सेवा के लिए महामेट्रो से अनुरोध किया था। एचसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के बाद बड़ी संख्या में घर से काम करने वाले कर्मचारियों का कार्यालय में वापस आना शुरू हो गया है और कर्मचारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने केंद्र और राज्य सरकार पर जीएसटी काउंसिल के बाध्यकारी नहीं होने के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश का स्वागत किया है। हालांकि ये निर्णय व्यापारिक समुदाय के पक्ष में है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इससे जीएसटी केवल एक सिफारिश करने वाली संस्था के रूप में प्रतीत हो रही है और जीएसटी काउंसिल की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगते दिख रहे हैं। इस निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि जीएसटी कराधान प्रणाली के संबंध में एक सर्वोच्च निकाय नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी कानून एवं नियमों की नए सिरे से समीक्षा करने का आग्रह किया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र एवं राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इससे जीएसटी के जनादेश पर नकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। यदि प्रत्येक राज्य को जीएसटी काउंसिल की सिफारिश से मुक्त किया जाता है, तो ये उन्हें अपनी पसंद के अनुसार कानून और नियम बनाने का अधिकार देगा, जो निश्चित रूप से जीएसटी नियमों में असमानता और विसंगति लाएगा। विदर्भ टैक्सपेयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू के नेतृत्व में पुलिस उपायुक्त, यातायात विभाग से भेंट कर स्पीड लिमिट चालान सहित विभिन्न यातायात समस्याओं का ज्ञापन सौंपते हुए विस्तृत चर्चा की। बीटीए के अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू ने बताया कि जयस्तंभ चौक पर ऑफिस के सामने ऑटो रिक्शा दो लेन में पार्क होने व फल विक्रेताओं के कारण यातायात में भारी दिक्कत आ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए एक उक्त स्थान पर पुलिस कर्मी को नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही राम झूला पर लगाए गए अस्थायी प्लास्टिक डिवाइडर को कई कार व ऑटो चालकों द्वारा अवैध रूप से पार्क किया जा रहा है, जिस कारण यातायात ब्लॉक होने के साथ ही दुर्घटना की संभावना भी अधिक हो रही है। अतः राम झूला के दोनों छोर के कुछ मीटर पर अस्थायी सीमेंट डिवाइडर लगाने की आवश्यकता है। उस स्थान पर पुलिस कर्मियों को नियुक्त कर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बीटी के सचिव तेजिंदर सिंह रेणु ने यातायात विभाग द्वारा दुर्घटनाओं को टालने के लिए वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट के बारे में भी अपनी राय दी।
सतत विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते समय लक्ष्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जिला स्तर पर समाज के समग्र विकास का मॉडल तैयार करते समय योजना अधिकारी को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो सभी घटकों को विकास का समान अवसर प्रदान करे। ये आह्वान विभागीय आयुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे द्वारा किया गया। वे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित शाश्वत विकास लक्ष्य अंतर्गत जिला निर्देशांक आराखड़ा विभागीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। कार्यशाला में जिलाधिकारी आर विमला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, सूचना निदेशक हेमराज बागुल, निदेशक वित्त एवं सांख्यिकी विजय अहिर, अतिरिक्त निदेशक जितेंद्र चौधरी, उपवन संरक्षक डॉक्टर भरत सिंह हाड़ा मौजूद थे। विभागीय आयुक्त ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित शाश्वत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों का विकास किया जाना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से भारतीय संविधान के उद्देश्यों में निहित समानता और भाईचारे के निर्माण में मदद मिलेगी। अतः केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते समय सभी को विकास के समान अवसर प्रदान कर सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एमएसएमई क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अच्छे एमएसएमई इकाइयों के प्रस्तावों को निधि देने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीए एएस राजीव ने कोसिया के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए कहा, कोसिया विदर्भ के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में कोसिया विदर्भ के अध्यक्ष सीए जुल्फी शाह ने राजीव से मुलाकात की और उन्हें क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोसिया विदर्भ द्वारा की गई विभिन्न पहल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नागपुर में बड़ी संख्या में व्यापार और व्यापारिक समुदाय है। राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्तीय सहायता उसके प्रदर्शन को बढ़ावा देती है, जिसे उन्हें अपने व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को भी विकसित करने में मदद मिलती है। कोसिया का नागपुर चैप्टर लगातार उन रास्तों में तेजी लाता है जहाँ छोटे उद्योगों को सरकार से अधिकतम संभव लाभ मिल सकता है। ये प्रोत्साहन वित्त औद्योगिक विकास आदि पर विभिन्न सरकारी अधिकारियों को नियमित प्रतिनिधित्व करता है। ये नियमित रूप से औद्योगिक मेले भी आयोजित करता है और विभिन्न रुचि के विषयों पर अपने सदस्यों के लिए ज्ञान अद्यतन पर कार्यक्रम आयोजित करता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज द्वारा चुनाव प्रबंधन में मीडिया शोध की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजेश कुमार शुक्ल ने की। सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश नाथ झा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चुनाव में भूमिका जैसे गुण विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के चुनाव को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नजरिए से देखना जरूरी है, क्योंकि अच्छा नजरिया किसी के तरह लोभ या प्रभाव से चुनाव के आंकड़े नहीं दर्शाता, अपितु वो अपने अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा आंकड़े दर्शाता है। चुनाव में विश्लेषक के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाना अभी तो कठिन है, परंतु निकट भविष्य में ये संभव होगा। चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर यूजर्स बड़े भावनात्मक दृष्टि से अपने विचार प्रकट करते हैं। नई मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मीडिया शोध को समझना महत्वपूर्ण है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय के चुनाव अवधारणा के चुनाव है। ये सत्य है कि मीडिया ज्ञान देती है, लेकिन जनता से प्राप्त किया गया ज्ञान सबसे ऊपर है। महंगाई का झटका दे रहे खाद्य तेलों ने नागरिकों को हल्की राहत दी। इंडोनेशिया द्वारा सोमवार से एक्सपोर्ट खोले जाने की खबर से पिछले चार दिनों में 6 रुपए प्रति किलो उतर गया है। टीन में 50 से 100 रुपए की गिरावट आई है। 2750 रुपए प्रति टीन चल रहा सोयाबीन 2600 रुपए की रेंज में आ गया है। इसमें 6 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। सप्ताह भर पहले ये 182 रुपए प्रति किलो चल रहा था, जो कि अभी 174 रुपए प्रति किलो की रेंज में आ गया है। इसी तरह फल्ली 190 रुपए के स्तर से घटकर 184 रुपए प्रति किलो आ गया है। सरसों के तेल में 10 रुपए की गिरावट आई है। 190 रुपए प्रति किलो चलने वाला सरसों अभी 180 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। अभी मार्केट में सोयाबीन, सरसों, फल्ली, राइस, पामोलिन से लेकर सभी तरह के तेलों की अच्छी उपलब्धता बनी हुई है। पामोलिन तेल में भी 10 रुपए घटकर 170 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। तेल व्यापारियों के अनुसार आगे कुछ और गिरावट आने की उम्मीद है। तेल की कीमतों में गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।